नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के सातवें गुप्त नवरात्रि की, जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। और 10 में से अगर हम सातवें महाविद्या की बात करें तो ये महाविद्या माँ धूमावती के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं माँ कालरात्रि की, तो माँ कालरात्रि के व्यापक रूप जो है वो भद्रकाली, माँ चंडी, माँ चामुंडा, रुद्रानी, काल भैरवी, इन नामों से जाना जाता है, इन रूपों से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो आपको किसी भी प्रकार का भय लगता है, अर्थात फोविया है, जैसे रात में सोने का भय, या फिर जल का भय, अग्नि का भय, या किसी शत्रु का भय, या कहीं आने जाने का भय, भूत प्रेत का भय, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई आपका शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया कर रहा है, तो उसका भी भय लगता है, तो माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करना सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। माँ कालरात्रि को काली वस्तुएं जरूर अर्पित करें, साथ ही साथ 108 दाने की, यानी 108 नींबू लें और इसकी माला बनाएं और ये माला माँ कालरात्रि को अर्पित कर दें। साथ ही साथ आप माँ कालरात्रि को लौंग भी अर्पित करें, 7 लौंग माँ कालरात्रि को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। माँ कालरात्रि को शहद और गुड़ का भोग लगाएं, रात रानी का इत्र या फिर रात रानी के पुष्प माँ कालरात्रि को अर्पित करें। यहीं पे अगर हम चर्चा करें माँ धूमावती की, तो माँ धूमावती, माना जाता है कि माँ धूमावती को शिवजी से श्राप मिला था, क्योंकि माँ पार्वती ने भूख प्यास में अपने स्वयं के पति शिव को निकल लिया था, जिसकी वजह से शिवजी ने क्रोधित होकर के उनको भस्म कर दिया था। क्योंकि उन्होंने जब शिवजी को निगला तो शिवजी के कंठ का जो विष था वो उनके कंठ में आ गया, जिसकी वजह से वह अपंग हो गई थी और इसी वजह से शिवजी ने भी उनको क्रोधित होकर श्राप दिया। मगर जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ तो शिवजी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए माँ धूमावती की आराधना जो है केवल इसी समय पे की जाती है, अदरवाइज माँ धूमावती की पूजा आराधना नहीं की जाती। इनसे किसी भी तरह का वरदान नहीं मांगा जाता, क्योंकि इनको कलेश की देवी कहा जाता है। जहाँ पे कलेश होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाढ़ या फिर भूकंप या फिर किसी तरह की परेशानियां उत्पन्न हो, किसी तरह का आप कोई दोष उत्पन्न हो, तो वहां पे माँ धूमावती का वास माना जाता है। इसलिए इनको अलक्ष्मी भी कहते हैं, एक तरह से दरिद्रता की माता इनको माना जाता है। तो इसलिए इनसे किसी भी तरह का वरदान नहीं मांगा जाता, क्योंकि इनके पास ये सभी चीजें हैं देने के लिए, इनके पास कोई भी खास चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में सफलता मिले। इनसे केवल शांति मांगी जाती है कि ये सभी चीजों को हमसे दूर रखिए, और इनको क्योंकि विधवा का रूप है और इसीलिए इनको हमेशा सफेद वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। सफेद मोती की माला से इस समय पे आप जप कर सकते हैं, ओम धूम धूम धूमावते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद मोती की माला से 108 बार। ऐसा करने से आपके जीवन से दरिद्रता दूर रहती है। इनका वास जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है जो भी जातक ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म लेता है वह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के पूरे जीवन परेशान रहता है, या फिर अपने जीवन में काफी हद तक संघर्ष भी करता है। इसीलिए ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कहीं ना कहीं पीड़ित माना जाता है। इसीलिए इनकी प्रार्थना करना बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नहीं रहता, इनसे केवल दूर रहने का ही वरदान मांगा जाता है। इसी के साथ साथ और भी ऐसी बातें जानने के लिए आप बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।